मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का पुरजोर तरीके से एक बार फिर इस हिंदी के महासेशन में सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्रिया, क्या पढ़ रहे थे? क्रिया। तो हम क्रिया में पढ़ चुके थे, क्रिया कहते किसे हैं और रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हम पूर्व की क्लास में देख चुके हैं। कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद थे? दो भेद थे। कौन कौन से थे? सकर्मक क्रिया और दूसरी थी आपकी अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया थी? अकर्मक। यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद थे? दो भेद थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया में हमने देखा था जब क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है, किस पे पड़ता है? सा प्लस कर्म से बना हुआ है, सा अर्थ होता है सात और प्लस कर्म। जब क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पर। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इधर देखिएगा आ प्लस कर्म प्लस क्रिया, आ प्लस कर्म प्लस क्रिया। आ का अर्थ होता है नहीं और कर्म नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े? कर्ता पे। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े? कर्ता पे। तो वहां अकर्मक क्रिया होती है और अकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित नहीं होता है। क्या उपस्थित नहीं होता है? कर्म उपस्थित नहीं होता है। जबकि सकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित होता है। क्या होता है? कर्म उपस्थित होता है। और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता भैया? कर्म पर। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। जबकि सकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित नहीं होता है और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पर। किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया। कल यहां तक हम क्लास, पूर्व की क्लास में हम पढ़ चुके थे। अब आगे देखिएगा, आगे बढ़िएगा। इसी अकर्मक क्रिया में, इसमें अकर्मक क्रिया में अकर्मक क्रिया में यानी कि कर्म पर क्रिया का प्रभाव कर्म पे ना पड़कर किस पे पड़े? कर्ता पे पड़े। और क्रिया उपस्थित ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन इस अकर्मक क्रिया में कुछ स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं या फिर कह सकते हैं कुछ गतिमान क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? कुछ गतिमान क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती हैं या कुछ स्वाभाविक क्रियाएं या कुछ स्वाभाविक क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है, कहलाती है। कुछ गतिमान क्रियाएं या कुछ स्वाभाविक क्रियाएं कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे हमने कहा, जैसे सूरज या सूर्य पूर्व से निकलता है, सूरज पूर्व से निकलता है। जैसे जैसे
बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जैसे पंछी आसमान में उड़ती है या चिड़िया आसमान में उड़ती है। चिड़िया आसमान में उड़ती है या आकाश में उड़ती है। तो यानी कि कुछ गतिमान क्रियाएं, यानी कि कुछ स्वाभाविक क्रियाएं ऐसी होती हैं जहां अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जैसे एक और देखिएगा, जैसे मछली जल में तैरती है, जैसे मछली जल में तैरती है, जैसे मछली जल में तैरती है। तो ये सब कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। यानी कि कुछ गतिमान और स्वाभाविक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? देखिए, कुछ गतिमान क्रियाएं या कुछ स्वाभाविक क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, चिड़िया आसमान में या आकाश में, आकाश कर लीजिएगा इसे, ठीक ना, चिड़िया आकाश में उड़ती है, आसमान हटा दीजिए, इसे कर लीजिए, चिड़िया आसमान में या इसे कर दीजिए चिड़िया आकाश आसमान कर लीजिए, चिड़िया आसमान में उड़ती है, मछली जल में तैरती है। तो मछली जल में तैरती है, ये सब कैसी क्रियाएं हैं? गतिमान क्रियाएं हैं या स्वाभाविक क्रियाएं हैं? तो यहां कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। आइए आगे देखते हैं, प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्न भेद है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्न भेद है, वाक्य में प्रयोग के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्न भेद है, क्रिया के निम्न भेद है। क्रिया के कैसे भेद हैं? निम्न भेद है क्रिया के, निम्न भेद है। यानी कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने भेद हैं? निम्न भेद हैं। कौन कौन से हैं? इसे हमने कहा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। उसके बाद आपका आती है संयुक्त क्रिया। क्या आती है? संयुक्त क्रिया। उसके बाद आपका आती है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद आपका आती है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद आपका आता है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है ना। यानी पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। यानी कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्न भेद है। कितने भेद हैं? निम्न भेद हैं सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। और उसके बाद अनुकरणात्मक क्रिया भी आती है, ठीक है, अनुकरणात्मक क्रिया भी आती है। तो आप देखने चल रहे हैं सहायक क्रिया। क्या देखेंगे हम लोग? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कहते किसे हैं? यहीं पे देख लीजिए, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ आकर, फिर से सुनना मेरी बात को, जो मुख्य क्रिया के साथ आकर वाक्य को स्पष्ट एवं पूर्ण कर देती हैं, उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। जो मुख्य क्रिया के साथ आकर, जो मुख्य
जो मुख्य क्रिया के, जो मुख्य क्रिया के साथ आकर वाक्य को स्पष्ट एवं पूर्ण कर देती हैं, वाक्य को, वाक्य को अस्पष्ट एवं पूर्ण कर देती हैं, वाक्य को स्पष्ट एवं पूर्ण कर देती हैं, देती हैं, उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं, उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं, यानी कि सहायक क्रिया कहते किसे हैं? जो वाक्य को स्पष्ट एवं मुख्य क्रिया के साथ आकर जो वाक्य को स्पष्ट एवं पूर्ण कर देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक ना? दैनिक सहायक क्रिया कहते किसे हैं? जो मुख्य क्रिया के साथ आकर वाक्य को स्पष्ट एवं पूर्ण कर देती हैं, उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पे जो है क्या है? सहायक क्रिया है, और पढ़ता क्या है? मुख्य क्रिया। पढ़ता क्या है? मुख्य क्रिया। राम पुस्तक पढ़ता है, यानी पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया है, और मुख्य क्रिया को स्पष्ट एवं पूर्ण कौन कर रहा है? कर रहा कौन कर रहा है? जैसे हमने कहा मोहन साय या राधा रोटी खाती है, राधा रोटी खाती है, तो खाना क्या है? आपका मुख्य क्रिया है। खाना क्या है? आपका मुख्य क्रिया है, और है आपका क्या है? सहायक क्रिया है। क्या है आपका? सहायक क्रिया। जैसे हमने कहा राम ने पुस्तक पढ़ा था, राम ने पुस्तक पढ़ा था, था क्या है? सहायक क्रिया है। क्या था? सहायक क्रिया। जैसे आपका है था थी थे, ये सब क्या है? सहायक क्रिया है। ये सब क्या है? सहायक क्रिया है। है सहायक क्रिया, है सहायक क्रिया, था थी थे गा गी गे रहा रही रहे, सब क्या है? सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया है। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य था, मुख्य क्रिया के साथ आकर जो वाक्य को स्पष्ट एवं पूर्ण कर देती हैं, उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है इतनी बातें आप समझ चुके होंगे, और शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। शॉर्ट स्क्रीन बनाइए। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए आप लोग। अगला देखिएगा, अब आपका आता है संयुक्त क्रिया। क्या आता है? संयुक्त क्रिया। अगली क्रिया आती है आपकी संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया आती है? संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया कहते किसे हैं? संयुक्त क्रिया होती क्या है? संयुक्त क्रिया है क्या? ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ आएं और एक दूसरे से क्या हो, जुड़ी हो, तो उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं
एक साथ आए, एक साथ आए, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ आएं और एक दूसरे से जुड़ी हों, और एक दूसरे से जुड़ी हों, जुड़ी हों, तो उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ आएं और एक दूसरे से जुड़ी हों, तो उन्हें हम कौन सी क्रिया कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे 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 हमने कहा राम छत से कूद पड़ा, राम छत से कूद पड़ा, तो यहां देखिएगा कूदना आपकी एक क्रिया है और पढ़ना आपकी एक क्रिया है। कूदना आपकी एक क्रिया है और पढ़ना आपकी एक क्रिया है, और दोनों क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दोनों क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे इसको ढक लीजिएगा, राम छत से कूद, देखिएगा कूद, इधर देखिएगा राम छत से कूद पड़ा, अपने आप आ जा रहा है, पड़ा आ जा रहा है, नहीं अपने आप, यहां देखिएगा राम छत से पड़ा नहीं कूद पड़ा, यानी एक दूसरे से क्रियाएं क्या है? जुड़ी हुई हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक ना? क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे, आगे बढ़ा जाए फिर उसके बाद। अच्छा देखिए, अगर जैसे हमने कहा, मोहन गीता पढ़ने लगा, मोहन गीता पढ़ने लगा, इधर देखिएगा, अब इधर देखिएगा, एक पढ़ना आपकी क्रिया आ गया है, एक आपका पढ़ना क्या आ गया है? क्रिया आ गया है, और लगा आपका एक क्रिया आ गया, एक पढ़ना एक और लगा। इधर ढकिएगा, जैसे हमने देखा मोहन गीता पढ़ने लगा, इधर देखिए मोहन गीता पढ़ने लगा, अपने आप आ जा रहा, यानी कि एक दूसरे से क्रियाएं क्या है? जुड़ी हुई है, एक दूसरे से क्या है? क्रियाएं जुड़ी हुई है। तीनों हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ आए और एक दूसरे से जुड़ी हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं। अगली क्रिया आपकी आती है नामधातु क्रिया। कौन सी? अपूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अगली क्रिया कौन सी आती है? पूर्वकालिक। यहां बात को समझिएगा, जब कोई कार्य आरंभ किया जाए, जब एक साथ दो कार्य किया जाए, एक साथ दो कार्य किया जाए, यानी कि एक कार्य आरंभ किया जाए और उस कार्य के समाप्ति बाद तुरंत दूसरा कार्य आरंभ किया जाए, एक कार्य के समाप्ति के बाद दूसरा कार्य आरंभ किया जाए, तो समाप्त हुए कार्य को ही हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब दो क्रियाएं एक साथ की जाएं और एक क्रिया क्या हो? समाप्त हो जाए और दूसरी क्रिया तुरंत उसके बाद चालू हो जाए, दूसरी क्रिया तुरंत उसके बाद चालू हो जाए, तो समाप्त हुई क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब जब एक क्रिया जब एक क्रिया के समाप्ति के बाद के समाप्ति के बाद
जब एक क्रिया के समाप्ति के बाद, समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया, दूसरी क्रिया, दूसरी क्रिया आरंभ की जाए, दूसरी क्रिया आरंभ की जाए तो पहले समाप्त हुई क्रिया को, तो पहले समाप्त हुई क्रिया को, तो पहले समाप्त हुई क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब एक क्रिया के समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया आरंभ की जाती है तो पहले समाप्त हुई क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो पहले समाप्त हुई क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक, समाप्त हुई क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा मोहन, जैसे मोहन, मोहन नहा कर खाना खाता है, मोहन नहा कर खाना खाता है, तो नहाना क्रिया क्या हुआ, समाप्त हो गया। नहाना क्रिया क्या हुआ, समाप्त हुआ, यानी खाना खाने वाली क्रिया शुरू हो गई है। तो जो नहाना क्रिया है यही आपकी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा राम सो कर उठा, सो कर उठा, सो कर उठा, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, राम सो कर उठा दौड़ने लगा, यानी कि सो कर उठा दौड़ने लगा। तो यहां जो सो कर उठा यही क्या आपकी पूर्वकालिक क्रिया, कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक ना। यानी कि एक क्रिया के समाप्ति के बाद जब दूसरी क्रिया आरंभ की जाती है तो समाप्त हुई क्रिया को ही क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। और यहाँ जो पूर्वकालिक क्रिया होती है वहां कर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नहा कर, सो कर, दौड़ कर, समझ रहे कि नहीं, यहाँ कर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा, जब एक क्रिया के समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया आरंभ की जाती है और समाप्त हुई क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक ना। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ये भी आपकी पूर्वकालिक क्रिया है और ये भी आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलें, अगला देखिएगा। यानी आपकी सहायक क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अगली क्रिया आपकी आती है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अगली क्रिया आती है प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य के द्वारा करवाता है या किसी अन्य को प्रेरित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, स्वयं कार्य ना करके, ना करके किसी अन्य के द्वारा, किसी अन्य के द्वारा करवाता है, किसी अन्य के द्वारा, किसी अन्य के द्वारा करवाता है या किसी अन्य को प्रेरित करता है या किसी अन्य को प्रेरित करता है
करता है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य के द्वारा करवाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। या किसी अन्य को प्रेरित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे मालिक ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है, मालकिन नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। समझ पा रहे ना? मालकिन नौकरानी से कपड़े धुलवाती, जैसे मम्मी पापा होते हैं, मान लीजिए आपकी छोटी बहन बदमाशी कर रही है, छोटी बहन बदमाशी करती है, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं? बेटा उसको दो थप्पड़ मारो ना। तो मम्मी पापा ने स्वयं कार्य नहीं किया और कार्य करने के लिए किसे? आपको प्रेरित कर दिया और चपक करके आपने अपने बहन को दो तीन थप्पड़ जड़ दिया, वही क्या कहलाता है? आपका प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। कौन सी क्रिया कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जैसे जैसे मालिक ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है, मालिक ड्राइवर ड्राइवर से गाड़ी चलवाता मालिक ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है, कौन सी क्रिया हो गई भैया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। जैसे मालकिन नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, नौकरानी से कपड़े धुलवाती कपड़े धुलवाती है। तो यहाँ वातावाती का प्रयोग आता है। वातावाती क्या आता है? वातावाती, यानी मालिक ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है, मालकिन नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य के द्वारा करवाता है तो वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उम्मीद है बात को समझ चुके होंगे आप लोग, ठीक है ना? जैसे हमने कहा, मोहन विजय से पत्र लिखवाता है, मोहन विजय से पत्र लिखवाता है। जैसे हमने कहा, राधा राधा मोहन से गाय चरवाती है, गाय गाय हटा दीजिए, शोभा नहीं देगा, या कह दीजिए राधा मोहन से साइकिल चलवाती है, साइकिल साइकिल चलवाती क्या चलवाती है? साइकिल चलवाती है। यानी कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य के द्वारा कार्य करवाता है तो वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है ना? जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य के द्वारा करवाता है या किसी अन्य को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मालिक ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है, मालकिन नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, मोहन विजय से पत्र लिखवाता है, राधा मोहन से साइकिल चलवाती है। तो यहाँ वातावाती का प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग होता है तो वाती आ जाता है, पुल्लिंग होता है तो वाता आ जाता है। क्या होता है? वाता आ जाता है, ठीक है? शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाता है। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, चलिए चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होंगी। इधर देखिएगा,
अगली क्रिया आपकी आती है नाम धातु, नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया आती है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया तीन प्रकार से बनाई जाती है। नाम धातु क्रिया कितनी प्रकार से? तीन प्रकार से, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। नाम धातु क्रिया तीन प्रकार से बनाई जाती है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से। नाम धातु क्रिया क्रिया तीन प्रकार से बनाई जाती है, तीन प्रकार से बनाई जाती है। किससे किससे बनाई जाती है? संज्ञा से, संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से। विशेषण यानी कि नाम धातु क्रिया कितने प्रकार से बनाई जाती है? तीन प्रकार से बनाई जाती है। कितने कितने? कौन किससे किससे? संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से। जैसे हमने कहा बात से बतियाना, बात से बतियाना, बतियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, लात से लतियाना, ठीक है ना। अपना से अपनाना, अपना से अपनाना, अपना से अपनाना। हमने कहा गर्म से गर्माना, गर्म से गर्माना, झोटा से झोटा से झोटियाना, झोटा से झोटा कर ले, छोटा हो गया है, झोटा से झोटियाना, झोटा से झोटियाना, झोटी याना, ठीक। गर्म से गर्माना, गर्माना, गर्म से गर्माना, ठीक ना। बात से बतियाना, लात से लतियाना, अपना से अपनाना, गर्म से गर्माना, झोटा झोटियाना, हिन से हिनाना, लात से लतियाना, गारी से गरियाना, ये सब क्या है? नाम धातु क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं हैं? नाम धातु क्रियाएं। जैसे यहां पे आपका प्रश्न बन चुका है, जैसे प्रश्न क्या बना है, जमीन, जमींदार ने किसान की जमीन हथिया ली, जमींदार ने, जमीन, जमींदार ने, जमींदार ने, जमींदार ने किसान की जमीन हथिया ली, किसान की जमीन हथिया ली, जमींदार ने किसान की जमीन हथिया ली, यानी कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। जमींदार ने किसान की जमीन हथिया ली कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। यहां देखना, जैसे मोहन ने, जैसे मोहन ने, मोहन ने विकास को अपना लिया, विकास को अपना लिया, अपना लिया, यानी अपनाना क्या है? नाम धातु क्रिया है। यानी जमींदार ने किसान की जमीन हथिया ली, मोहन ने विकास को अपना लिया, ठीक ना। यहाँ कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। यानी बात से बतियाना, लात से लतियाना, अपना सपनाना, गर्म से गर्माना, झोटा झोटियाना, गारिस गरियाना, हिन से हिनाना, ये सब कौन सी क्रियाएं हैं? नाम धातु क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं हैं? नाम धातु क्रियाएं हैं, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्नोत्तरी भी करेंगे अभी, इधर देखना। चलिए पहले उधर रिकॉल करवा देता हूं, जो जो चीजें हुई हैं, जो जो बातें हमारे आपके बीच हुई हैं, ठीक ना। हमने बताया, इधर देखिएगा, अकर्मक क्रियाएं, क्योंकि इसके पूर्व की क्लास में हम अकर्मक और सकर्मक देख चुके थे, अकर्मक और सकर्मक को हम पढ़ चुके थे,
अकर्मक क्रियाएं कौन सी कहलाती हैं? कुछ गतिमान और क्रियाएं या कुछ स्वाभाविक क्रियाएं कैसी क्रियाएं कहलाती हैं? अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सूरज पूरब से निकलता है अकर्मक क्रिया है, बूंद बूंद से घड़ा भरता अकर्मक क्रिया है, चिड़िया आसमान में या आकाश में उड़ती अकर्मक क्रिया, मछली जल में तैरती या पानी में तैरती है अकर्मक क्रिया है। इधर देखिएगा, जैसे हमने कहा वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने भेद है, निम्नलिखित भेद होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन? सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, परिणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जो मुख्य क्रिया के साथ आकर वाक्य को स्पष्ट एवं पूर्ण कर देती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना क्या है? क्रिया है आपकी। पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया है। और है क्या है आपकी? सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया। जैसे राधा रोटी खाती है, तो खाना आपका मुख्य क्रिया है। क्या है आपका? सहायक क्रिया है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ा था, राम ने पुस्तक पढ़ा था, पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया। और था क्या है आपका? सहायक क्रिया। यानी है था थी थे गा गी गे रहा रही रहे, सब क्या है आपके? सहायक क्रिया है। उसके बाद अगला आता है आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ आए और एक दूसरे से जुड़ी हों तो उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ आए और एक दूसरे से जुड़ी हों तो उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम छत से कूद पड़ा, तो यानी कूदना भी आपका क्या है? क्रिया है। और पढ़ना भी आपका क्रिया है, और एक दूसरे से दोनों क्रियाएं जुड़ी हुई। जैसे मोहन गीता पढ़ने लगा, पढ़ना भी आपका क्रिया है और लगा भी आपका क्रिया है, और एक दूसरे से क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। इधर देखना, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब एक क्रिया के समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया आरंभ की जाती है तो समाप्त हुई क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब एक क्रिया के समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया आरंभ की जाती है तो पहले समाप्त हुई क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन नहाकर खाना खाता है, तो यानी नहाकर कार्य जो आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया है, और खाना खाने वाला कार्य शुरू हो गया है, तो जो समाप्त हुआ कार्य है यानी जो समाप्त हुई क्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोकर उठा दौड़ने लगा, तो यानी कि सोकर उठ गया है और सो के उठने वाला कार्य समाप्त हो गया, दौड़ने वाला कार्य चल रहा है, तो जो कार्य समाप्त हुआ यानी कि जो क्रिया समाप्त हुई उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक, जब देखिएगा परिणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता स्वयं ना कार्य करके किसी अन्य के द्वारा करवाता है या किसी अन्य को प्रेरित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणार्थक क्रिया। कैसे? मालिक ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है, मालिक ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है, तो मालिक स्वयं नहीं चला रहा, किससे चलवा रहा है? ड्राइवर से चलवा रहा है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे मालकिन नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, तो मालकिन स्वयं कपड़ा नहीं धुल रही, किससे धुलवा रही? नौकरानी से धुलवा रही है, प्रणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे मोहन विजय से पत्र लिखवाता है, मोहन स्वयं पत्र नहीं लिख रहा, किसी को पत्र लिखने के लिए क्या कर रहा? प्रेरित कर रहा, स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, तो यानी कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी? प्रणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे राधा मोहन से साइकिल चलवाती है, तो राधा स्वयं साइकिल नहीं चलवा रही, स्वयं नहीं चला रही, किससे चलवा रही है? मोहन से चलवा रही। तो यानी कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य के द्वारा करवाता है या किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उम्मीद इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अगली क्रिया कौन सी हमने पढ़ाया था आपको? नामधातु क्रिया। नामधातु क्रिया तीन प्रकार से बनाई जाती है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से, यानी कि देखिएगा, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लाता लतियाना, लात से लतियाना, जूता जुतियाना, अपना सपनाना, गर्म से गर्माना, झोटा झोटियाना, ये सब कौन सी क्रियाएं हैं? नामधातु क्रियाएं हैं। जैसे किसान, जैसे जमींदार ने किसान की जमीन हथिया ली, मोहन ने विकास को अपना लिया, समझ पा रहे ना बात को? ये सब कौन सी क्रियाएं बन जाती है? आपकी नामधातु क्रियाएं बन जाती है। अब कुछ प्रश्नोत्तरी हमारे आपके बीच हो जाए, कुछ मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसका आप लोग जवाब दीजिएगा, उत्तर करिएगा आप लोग। कुछ प्रश्न मैं लिख रहा हूं उसका उत्तर करिएगा आप लोग। जैसे मैंने प्रश्न लिखा, निम्न क्रिया में कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है? कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है? कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है? कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है?
निम्न क्रिया में कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर डालिएगा आप लोग। पहली क्रिया आ गया, सकर्मक क्रिया पूछा गया, दौड़ना। दूसरी क्रिया आपका है खाना। तीसरी क्रिया है आपका सोना। और चौथी क्रिया आपका है रोना। क्या है? रोना। अब पूछा गया है निम्न क्रिया में कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है ना, इन चारों में से कौन सी सकर्मक क्रिया है, इसका आपको उत्तर करना है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्न क्रिया में से कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया है, कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया है, क्रिया है कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया है, क्या बताना है? अकर्मक क्रिया बताना है। पहला विकल्प आपके सामने है, खाना। दूसरा है हंसना। क्या है? हंसना। तीसरा है पढ़ना। और चौथा है ये सभी। इसका आपको उत्तर करना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न दिए गए वाक्य में किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है ना? क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है, यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिए आप लोग, और यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिए। अब इधर देखिएगा, निम्न दिए वाक्य में किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, क्या बताना है? द्विकर्मक क्रिया बताना है। ठीक है, पहला वाक्य आपके सामने है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। दूसरा वाक्य आपके सामने है, राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है। तीसरा वाक्य आपके सामने है, अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई। ठीक ना? अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई। चौथा वाक्य आपके सामने है, मोहन पत्र लिखता, मोहन पत्र लिखता है। ठीक ना? आपके समक्ष तीन प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों के जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। और इसके साथ साथ ऐसा क्यों हुआ यह भी हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। तब मैं समझूंगा कि क्रिया जो हमने आपको पढ़ाया है वह सुचारू रूप से आपके मन मस्तिष्क में बैठ चुका है और समझ आ चुकी है क्रिया। ठीक है ना? पहला प्रश्न आपके समक्ष था क्या, निम्न क्रिया में कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है, इसमें इन चारों में से सकर्मक क्रिया बताना है। रोना सकर्मक है, सोना है, खाना है, दौड़ना है। निम्न क्रिया में से कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया है, खाना, हंसना, पढ़ना, ये सभी। निम्न दिए गए वाक्य में किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया बताना। मोहन पुस्तक पढ़ता है, राम विद्यालय जाता है, अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई, मोहन पत्र लिखता है।
इन सभी का कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर करना है ना। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, थैंक यू क्लास, और सभी प्यारे विद्यार्थी को जय हिंद, थैंक यू क्लास।